दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन क्रिकेटर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट और वनडे में बुरी तरह से हारकर भारतीय सरजमी पर लौट आई है और यहां भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के साथ वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। तो वहीं रोहित शर्मा ने पहले वनडे मुकाबले के लिए 4 बड़े बदलाव किए। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पहले वनडे के लिए क्या है बड़े बदलाव और कौन है, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे से हारने के बाद अपने मनोबल को नीचे गिराकर भारतीय सरजमी पर वापस आ गई है, लेकिन अपनी घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम का प्रदर्शन हमेशा से ही बेहतरीन रहा और फरवरी के महीने में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ वनडे और T20 सीरीज खेलेगी, जिसमें वो हाल ही में साउथ अफ्रीका दौरे में हार का बदला जीत से लेना चाहेगी, जिसके लिए वनडे सीरीज कोरोना के कारण अहमदाबाद में खेली जाएगी और T20 सीरीज कोलकाता में खेली जाएगी, जिसमें वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 6 फरवरी से दूसरा मुकाबला 9 फरवरी को, तीसरा मुकाबला 11 फरवरी को खेला जाएगा और वहीं T20 सीरीज का पहला मुकाबला 16 फरवरी को, दूसरा मुकाबला 18 फरवरी को, तीसरा मुकाबला 20 फरवरी को खेला जाएगा। तो वहीं रोहित शर्मा ने अपनी टीम में 4 खतरनाक बदलाव किए हैं, जिसमें भारतीय टीम में ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा खुद उतर सकते हैं और भारतीय टीम की कप्तानी भी करेंगे, क्योंकि वो अपनी चोट से वापसी वेस्टइंडीज दौरे में कर रहे हैं। तो वहीं इनका साथ देने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे, जिन्होंने विजय हजारे टूर्नामेंट में 600 से ज्यादा रन 4 शतक के साथ बनाए थे और ये उनका पहला बदलाव है। और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली उतरेंगे, जो भारतीय टीम के पूर्व वनडे कप्तान हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज में 2 अर्धशतक लगाए हैं। और चौथे नंबर पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में राहुल नहीं खेलेंगे, क्योंकि उन्हें पहले वनडे मुकाबले में आराम दिया गया है और उनके ना खेलने से ईशान किशन ने अपनी जगह पक्की कर ली है, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है और ये उनका दूसरा बड़ा बदलाव है। तो वहीं पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत उतरेंगे, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के दौरे में वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 1 अर्धशतक लगाया। और छठवें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर टीम में उतर सकते हैं, जिनकी वनडे टीम में बहुत ही कमी साउथ अफ्रीका के दौरे पर खली थी और क्योंकि वो चोटिल हो गए थे और ये इनका तीसरा बड़ा बदलाव है। वहीं सातवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर उतर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया। और वहीं आठवें नंबर पर दीपक चहर उतर सकते हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अंतिम मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। और वहीं नौवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले साउथ अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं दसवें नंबर पर कुलदीप यादव उतरेंगे और ये लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं और ये उनका चौथा बड़ा बदलाव है। और ग्यारहवें नंबर पर यजुवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया जा सकता है और उन्हें दोबारा से मौका दिया जा सकता है। तो वहीं बैकअप प्लेयर के रूप में शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि ये तीनों खिलाड़ियों ने साउथ अफ्रीका दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया है। तो वहीं इनके अलावा सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर, इन दोनों खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज दौरे पर दोबारा से आजमाया जा सकता है और इन्हीं खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ वनडे सीरीज में खेलने के लिए उतर सकती है। दोस्तों आपके हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।